तुरंत एकदम आना थोपी से मार लगल। हाँ सब ई वाला सब पूरा फाड़ दिले आगे वाला आ पछू वाला फाड़ दिले रहा लुगा ओकर सरकावत हम देखले ही। आज के गई ओकरा मारल बा काल के गई हमरे एक दिन रेड टौले रे मारे ला। घटना जो है बहुत माने मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। औरत के इस तरह से नंगे करके पीटना क्या बताएं, मतलब हमको बोलने में शर्म लग रहा है। बार बार यहीं पे लान करके उसका दोनों बेटी मारपीट की है, तो अभी तक न पुलिस के द्वारा न ही कोई सूचना देने छानबीन करने के मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया गया है अभी तक। गढ़वा में एक महिला के साथ मारपीट कर नग्न कर रोड पर दौड़ाया, महिला गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल में गढ़वा में इलाजरत। गढ़वा जिला के जाटा पंचायत में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। ग्रामीणों एवं जाटा पंचायत के मुखिया उदय मेहता के अनुसार बुधवार को मंदीस प्रजापति की पत्नी इमली देवी कुछ पैसों की जरूरत पड़ने पर सूद पर पैसा लेने दशरथ माथो के घर गई थी। तभी दशरथ माथो की दोनों बेटियां सरिता देवी एवं लालो देवी जो मायके में ही रहती है, इमली देवी के साथ गाली गलौज करते हुए उससे अभद्र व्यवहार करने लगी और सरिता देवी एवं लालो देवी ने अपने पिता दशरथ माथो के साथ इमली देवी का नाम जोड़कर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट करने लगी, जिससे इमली देवी घबरा गई और अपने घर वापस जाने लगी। तो दशरथ माथो की दोनों बेटियां सरिता देवी एवं लालो देवी उसका पीछा करते हुए रोड तक आ गई और उसके सारे कपड़े फाड़ कर उसको निवस्त्र कर दी। इमली देवी पूरी तरह से रोने लगी एवं मदद की गुहार लगाने लगी। तभी गांव के ही महिलाएं दौड़ी और इमली देवी को सरिता देवी एवं लालू देवी से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छुड़ाने के क्रम में दोनों गांव की अन्य महिलाओं से उलझकर उन लोगों को भी गाली गलौज करने लगी। तभी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होते देख सरिता देवी एवं लालू देवी वहां से भाग गई। तब जाकर गांव की महिलाओं ने इमली देवी को वस्त्र साड़ी पहनाकर उसकी आबरू को ढका। आज मीडिया से रूबरू होते हुए सभी ग्रामीण आक्रोशित थे। ग्रामीणों ने बताया कि दशरथ माथो की दोनों बेटियां सरिता देवी एवं लालो देवी हमेशा गांव में बेवजह सबसे मारपीट गाली गलौज करती रहती है। दशरथ माथो की दोनों बेटियां सरिता देवी एवं लालो देवी की मां कुंती देवी ने भी कहा कि मैं दोनों से परेशान हूं, रोज इनकी शिकायत आती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि इमली देवी पर जो सरिता देवी एवं लालो देवी द्वारा अवैध संबंध का आरोप लगाया जा रहा है वह सरासर गलत है। इमली देवी साफ स्वच्छ विचार की गरीब महिला है जो मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाती है। मौके पर जाटा पंचायत के मुखिया उदय मेहता प्रेम दीवारा सहित गांव के सभी ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद थे। जैसे कि गल हम गल रही सूद पर पैसा लेवे, ठीक ना, सूद पर पैसा ले गल जदे हम कमाए ना कमाए से पैसा दे देबो तने हम ब्याज अथी ब्याज पर पैसा दे दूं। 500 वाला कहलक ओकर बाप जे ठीक बात देखत ही ना तो चला बैठा हम आवत ही तो दे दे होई तो बैठ ली। बैठला के बाद पैसा माने घटल रहे समय में भर ओकर बेटी जे वो तो दे दिला आ उन्हें जाके मारे थे एकदम पूरा माने काने का पारे लाठी से इतना मोट मोट के लाठी से दोनों बेटी मार रहा था बदन में शान का टोटा साह के सर अब पूरा सर एकदम पूरा अथी करके खोल के। हाँ आगे पर जो हमारे माँ बाप से तो पैसा ठग रहे थे ऐसे इतने कह के चराट चराट तीर ले घिंच लेते बड़ी तीर ले घिंच ले माथा चोट ये सब चोट रहा है और टोटा घल घनाने के लिए बोल रहे थे। अब कहिए तोरा पता चला कहियो काट के डालो वैसे कहले बा बेटी होकर आप कुछ नहीं बात है। हम सब परिवार घरे रहे थे तो यहाँ मार हुआ तो एक ठो थीन के औरत देखे तो हम लोग घर जाए तो हम लोग पूछे कि कहाँ जा रहे हैं जी कहाँ जा रहे हैं तो आवत ही है वहाँ से नहीं तो मंदिर के नहीं अथी बुढ़िया के मार के नहीं वहाँ पार ना दिले अथी अथी ये अथी दशरथ प्रजापति के बेटी ऐसे। हाँ पुसुआ है मैंने हाँ प्रजापति का है तो वह हुआ का वह सुने हम लोग अथी तल के अथी कपड़ा उपड़ा इसका खोल के नहीं अथी कर दिया मारे पीटे तो कैसे लपेट के नहीं घरे मन मारन भेद में चल गया वहीं हम लोग देखे आओ का तो वह सब मुँह में गाज फेन सब फेंका लागे एकदम मन अथी हो गया तो हम उधर यहाँ हॉस्पिटल में आया लेके। हाँ समूह से पैसा ले रहती तो पैसा नहीं रहे तो बेटा भेज रहती 1300 रुपया तो ले गल थी खाता में छोड़ावे तो वहाँ से छोड़ा कैलन तो दशरथ महतो रथी कल पर
कहा थी कि ये बाबा से नहीं दे पैसा घटल बा 500 तो कहा थी कि चल बैठा आवा थी नहा के तो दे बुआ तब बैठला थी तो बैठला थी तो गलती तो दिल थी पैसा तो अथी गलती तो वो पैसा तो दे दिल थी तो इनकर बेटी का कहला थी कि रहर में होकर हमने देखा रिया कि हमार बाप साथ है तू काहे ये काम कैले पैसा लेके तू चल गई वहां ले रेट के यहाँ के मरलन मरलन तो हमने नहीं जानत रिया तो सुनली तो गईली घरे घर गईली तो बिगाई रही एकदम बिगाई रही दाँत मुँह खुलते नहीं रहे तो वहां से साथ मिले लेके गईली हमन हॉस्पिटल तो गाड़ी पर बैठलन उहो रुका के वहां तो कहलन की अथी का कहला कि हम कहली कि काहे रे मरली ओहनियो कहती काहे मरली तो कहते कि मरबे करब आधा घंटा से काहे बेड़ा बंद करके रहे मरबे करब हमनी रहर में से देखत रहिया लुका के तो ई बात कहली कि ई बात रवा जे झूठो का अपन बाप के लुपु जोड़त ही तो ई बात के रवे ना थी होई रवनिए के ना सजाए मिली तो हाँ तो एकर काल फैसला होई हमन के सजाए मिली तो मिली बाकी हम मरबे करब वैसे कह के उतर गलती उतर के फिर गलती थाना में गलती कहाँ गलती हमन हॉस्पिटल गईली हॉस्पिटल के बगल में होके देखत रहती कने कने जात बड़ा। देखिए ये जो मामला है ग्राम ढोटी में मंदिर प्रजापति के पत्नी इमली देवी, इमली देवी के साथ मारपीट हुई है। दशरथ महतो के बेटी सरिता देवी और लालो देवी दोनों मिलकर मारपीट किए हैं। जिस दिन मारपीट हुआ था तो उस दिन हम पंचायत भवन में मीटिंग वीटिंग कर रहे थे तो फोन पर बातचीत जब होने लगा तो यहाँ से बताया गया कि इस तरह से मामला हुआ। तो मामला में हम थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिए, बार बार जब अथी होने लगा फोन आने लगा तो हम कह कि चलिए देखते हैं। तो गए तो देखे कि उनका घर पे लेटी हुई थी और बेहोशी के हालत में थी। तो हमने तुरंत टेम्पू वेम्पू को बुलवा करके सबसे पहले उसको प्राथमिकी दर्ज कराई हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में, प्लस में 1000 रुपया उसको दिए दवा दारू कराने के लिए। फिर मामला जान जब पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये घटना कैसे हुई तो कही कि हमने उसके घर वालों ने बताया कि हमारा समूह भरने के लिए पैसा जो है हम लेने गए थे उसके पास तो उनके यहाँ से 500 रुपया लेकर के वो आ रही थी उनके पिताजी के दशरथ महतो के साथ। अब वहां से आने के बाद यहीं पर जहाँ भी हम लोग ये दे रहे हैं यहीं पे लान करके उसका दोनों बेटी मारपीट की है। तो हम चाहेंगे प्रशासन से कि इस पर तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। FIR भी उसी दिन हम लोग FIR भी किए हैं, FIR किए हैं तो अभी तक न पुलिस के द्वारा न ही कोई सूचना छानबीन करने के मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया गया है अभी तक ले। और हो गया ये बुधवार के है लमसम 11 बजे के आसपास हुआ है। तो प्रशासन कम से कम मान के चलिए BDC मुखिया वार्ड सदस्य किसी का भी तो नंबर रहता है, पूछना भी तो चाहिए। अगर नहीं आ सकता था पुलिस तो पूछना चाहिए था मामला क्या है मुखिया जी, हम लोग बताते। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। हम तो समझते हैं कि हमारा प्रशासन इस पर कोई रुचि नहीं ले रही है। इस तरह से महिला के साथ हो रहा है, आज इस महिला के साथ हो रहा है, कल उस महिला के साथ हो रहा है, तब उन लोगों पर तो उचित कार्रवाई एकदम होना जरूरी है आप लोगों के माध्यम से। हाँ निर्वस्त्र करके आप सूचना मिलवे की या देखिए कि बता रहे हैं कि नहीं, सब यहाँ के लोग सब अपने से कपड़ा उपड़ा पहनाए हैं। अभी तक तो देखिए हम लोग के यहाँ हमारा घर भी उसका घर से 300-400 मीटर की दूरी पर है, हम लोग नहीं जान रहे हैं यहाँ से आती जाती, चाहे वो दशरथ महतो उसके यहाँ आता जाता, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है न लोग सुना है। ये लांछन टाइप के वो लगा रही है, उसका खुद अपने माता पिताजी से उन लोग के बनाव नहीं रहता है, अपने ने बुझा के ले सकते हैं उनसे भी। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों पर कार्रवाई हो ताकि उसको भी सबक मिले कि एक महिला होकर महिला के इस तरह से मारपीट किया है, निर्वस्त्र किया है, वो तो एकदम हम लोगों को शर्मनाक घटना है हम समझते हैं। महिला का 2 दिन पहले हुआ था, कल उन लोग रांची शायद रेफर किए थे डॉक्टर साहब, तो पैसा के अभाव में वो चला गया था घर पे, पैसा नहीं है, पैसा हमने उसको बोला कि भाई तुम पैसा दे दो इलाज कराने के लिए, वो खाली फोन पर बात करेगा रिकॉर्ड करेगा। अभी देखिए पैसा दे रहा था कितना था तो वो वीडियो बना रहा था, हम बोले कि वीडियो बना के मत लो नहीं तो हम लोग के ऊपर भी वो गुंडा बदमाश लगा सकती है। तो हम चाहेंगे कि इसके माध्यम से प्रशासन को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि मामला क्या है मुखिया जी, इतना तो पूछ सकते हैं प्रशासन। हमको बुधवार के लगभग 4 बजे के समय में कुछ पता चला कि मारपीट हुआ है, महिला लोग लड़ी, तो हम इसको एजवे में लिए और हमको मैंने
इसमें मैंने हम कुछ इंटरेस्ट मैंने विशेष नहीं लिया, कुछ चल का हुआ था, मारपीट हुआ था, हॉस्पिटल चल गई। कल करीब करीब 4-5 बजे के लगभग जो है से लोग अथी इतना हल्ला लगे, मैंने 2-3-4 गो लेडीज लोग हमको से कहने लगे कि गरीब के कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखे वाला नहीं है, इतना बड़ा कांड हो गया। का भाई नहीं मर ले बड़ा ना, लंगटे करके दौड़ा दौड़ा के लंगे करके मारा है, नहीं बस करके। तो हमारा बहुत बुरा लगा, तो हम इस पर चर्चा शुरू की, फिर मुखिया जी से बात की तो बोले कि हाँ हॉस्पिटल में तब लोग लगे हैं, हालत सीरियस है। उसके बाद फिर हम सब लोगों को खबर करने लगे, मीडिया के लोग भी खबर किए और अपने गणमान्य लोग जो गांव घर के हैं उन लोग से पूछे कि भाई इतना बड़ा ये घटना हो गया, मानवता के शर्मसार करने वाला, ऐसे लोगों पर तो कुछ कार्रवाई होना चाहिए। तो हम लोग इस पर जो है से हम अथी किए, दशरथ महतो के दोनों लड़की मिल करके मारपाट पीट किए, नाम है लालो और शायद सरिता, और इमली देवी के साथ मारपीट हुआ है। हम क्या बताएं, मतलब हमको बोलने में शर्म लग रहा है, बार बार कई लोग फोन करके भी पूछ रहे हैं, मीडिया के लोग भी पूछ रहे हैं कि आपके पंचायत में ही नंगे करके दौड़ा करके मारा गया, दौड़ाया गया। तो मतलब शर्म, हम मतलब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं घटना से, हमारा पंचायत शर्मसार हुआ है, मानवता शर्मसार हो गया। कहना चाहिए कि कार्रवाई होना चाहिए, गलत चाहे कोई भी करे, गलत करने वाले पर उचित कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से वो मारपीट किया, अगर हम समझते थे कि अबला एकदम गरीब परिवार है, अगर थोड़ा सा सख्त परिवार होता तो पलटवार भी होता, 4 गो लड़के उसके जवान होते जाके वो लोग भी मारपीट कर देता, तो बहुत बड़ा घटना हो सकता है। क्योंकि इसलिए इस पर दंडात्मक कार्रवाई हो, जो उचित कार्रवाई हो, हम प्रशासन से पुलिस से मांग करते हैं कि इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई होना चाहिए। प्रजापति संघ के अध्यक्ष हैं, शायद हम मिल करके आए थे तो तुरंत उस दिन उसके जिस दिन घटना हुआ था उसका सुबह हम गए थे तो वो भी आए थे भैया, हमसे पूछे तो हम बोले कि भैया हम तो अभी आए हैं कि आप गए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। वो शायद थाना प्रभारी को फोन लगाए, दो बात भी किए, थाना प्रभारी काट दिए। अभी तक हम तो नहीं किए हैं लेकिन आवेदन दिए हैं, फिर भैया बात किए थे, वो अभी तक वो आवेदन जब हम लोग दिए तो बात करने की इसमें का कम से कम छानबीन तो पुलिस करती ना, चाहे हम लोग से पूछता मान के चले कि आइए मुखिया जी इस तरह से मामला है, लेकिन अभी तक नहीं है तो हम भी नहीं जा रहे हैं, हम छोड़िए दिए हैं कि नहीं गया है, अभी तक कोई नहीं गया है पुलिस, तो हम छोड़ दिए हैं कि मान के चलिए जब प्रशासन हम लोगों को जनता को देख रेख करने के लिए बनी हुई है, हम लोग गए आवेदन दिए, कम से कम फोन से भी बातचीत उन लोग नहीं किया, न बताया हमको, जनप्रतिनिधि लोग हैं तो हम लोग क्या अवहेलना किया जा रहा है, हम छोड़ दिए हैं। इन लोग भी बोल रहा था कि जाइए मुखिया जी, हम कि नहीं जाएंगे, जब तक हम आवेदन अगर नहीं दिए होते तो हम में गलत था। हाँ मासी ठगड़ी की जगह पीछे पर आईली, वहाँ देख लियो के दूरी जरा के मार हुला और दियो बहिन रहन वहाँ नहीं वहाँ नहीं मारे बर्न का ता दूरी देख ली तो कह लगे देख ली तो लगे देख ली कहीं ना मजाई सब लगे कहे बड़े तो साया सब फाड़ दिले हैं साया ओकरा पे मौली बहनी बांध ओकर लुगा यहाँ लुगा दे ओकर लुगा देली पहले हाँ पहले तब वो वहाँ बांधर के दिन मिलक वहाँ से घीच कर बिल मतलब हरास मरी यहाँ यहाँ देखो तो यहाँ से उठा के तो कहा हम जाके बैठूंगी इतना हम जो बहन मर रहे थे। राम सुंदर प्रजापति हमार भाव लगती है वो गया 10 महतो घर पैसा लेने 500 रुपया घट रहा था वहाँ गया पैसा लेने तो पैसा तो दिया 500 और लड़की बोल रहा है ना अथी लालो देवी सरिता देवी तो का कर आज का पैसा ले गए यहाँ भत्ता के 14 ही रहो जब पैसा ले बड़े गाड़ी बड़े कोई और पैसा भी छीन लिया और वहाँ से आ गया ना वहाँ मारपीट किया घरे और अथी घर में ढुका के और वहाँ से मारपीट कर दिया तो मर्द में कुदर आया इस जगह आया और यहाँ अथी के रहे सेटिंग बांस वो से खूब मरण होकरा चारों भर इन्हें पीठ लेके पेट समझ हर जगह टोटा भी धल रहे हैं हाँ और साड़ी सब खोल ले रहे हैं तो यहाँ का पहनोली साड़ी पड़ा हमारे भाव के हमारा नाम उर्मिला कुमार मार पीट वाला जिसे ना कि हम आते होने से और अथी इमली देवी आते रहने से आते तो रहते फिर ये फिर जुटा रिया तो जुटली ना तो कल ना वो कि ना कोई पैसा जबर हो गला तो हम कल के ना हमारा पैसा नहीं जबर हो से जाती बाबू फेरा तो कल के बाबू जा रहा हाँ तो तलिए लेन वहाँ से ही अथी दोनों बहन होने से गाड़ी से और तलिए यहाँ बस अथी का उतर के आ तुरंत एकदम अनहत हो पी अनहत बेसी मार लगल
हाँ अब कहते हैं हम कि ना अथी ना गोना कहल मर्द भरी को कहला तो कहत ना कि तोहरा मुंह में लाठी फेल दे कि मर जेबु। हाँ ऐसे बस गार गार हमरा कर लगा अब यहाँ से लेके अब कुछ दूर यहाँ तक खेदब ले रहे थे हम गरीब अथी बेटा घेरा। हाँ दूगो मिलके ही दोनों बहिने। हाँ सब ई वाला सब पूरा फाड़ दिले आगे वाला और पछू वाला फाड़ दिले रहन और वो अथी लुगा खोल गल के अलग बिक दिले रहन। हाँ दीदी पहनल बड़ा हाँ ये ननद बड़ा क्या कर ला चाहती है जेल पठा जाए अब नहीं तो फिर फिर आज के गए उनका मार दिल आए कल के गए हमारा ना मार दी वैसी धीरे वाले है ये बही। हाँ क्योंकर मारब जो डर में ही छेक के मारब। हाँ दशरथ महतो के बेटी रहन ललिता घर घर दम दे रहा थी है रहा थी हमने की कुछ जाना कैसे कैसे तो लड़ाई झगड़ा कर ले बड़ा इमली देवी हमारे से मरे हुआ कुछ नहीं भैया बात हम दूसर ने की सुन ले बात नहीं चुटरी देवी कहा पूछो कर थे भैया तो पाँच पैसा खोज के दे ली। हाँ हाँ गई रही तो जवन हथे न सुनर के भाई का तो ना हो कल यहाँ का कराइल बड़े गे मुंह देखा गए बड़े हम तोरा से मार करके लड़ब बस हम चल अली। सोलह कर ला भैया हम आप कुछ नहीं चाह हम गरीब हो गरीब अब तेरे गल गलती कहिए देना गलती बात बा भैया वो नहीं नहीं नहीं